स्टूडेंट्स, चैप्टर एसी है ना, से क्वेश्चन पूछा गया है। और ईएमएफ आप समझ के देखो, ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया है। ये होता है ई नॉट, मैंने लिखा है साइन ओमेगा टी। देखो ओमेगा का टर्म भी आ गया और ई नॉट का टर्म भी आ गया। ये इंस्टेंटेनियस टर्म होता है, हम सभी जानते हैं, इसलिए इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैंने लिख दिया है। करंट दिया हुआ है आपको इस तरह से, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हो जाएगा आई नॉट, और मैंने लिखा है यहाँ पे साइन, देखो सेम हो गया ये, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। नेगेटिव का टर्म है और ये फेस का टर्म है। इसका मतलब क्या है, जो फेस है वो लैग कर रहा है और फेस की वैल्यू है आपकी पाई बाय 4, या डिग्रीज में लिखूंगा तो आ जाएगा इसका आंसर 45 डिग्री, है ना। ये सब कुछ इतना पढ़ के अपन को समझ में आ रहा है। फिर कहता है एक साइकिल, है ना, एक साइकिल की एवरेज पावर कितनी होगी। आपका आंसर यहाँ शुरू करना था पावर एवरेज, इंस्टेंटेनियस की बात मत करना। ये होता है वी आई कॉस फाइ। कंफ्यूजन बच्चा करता है, ये भूल जाता है कि वी आर एम एस होता है और आई आर एम एस होता है, और वी आर एम एस आई आर एम एस को ऐसा भी तो लिखते हैं, वी नॉट बाय रूट टू, ये हो जाता है आई नॉट बाय रूट टू, और यहाँ हो जाएगा कॉस, मैं यहाँ लिख देता हूँ 45। वी नॉट आई नॉट यहाँ से उठा लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 100 बाय रूट टू, ये हो जाएगा 20 बाय रूट टू, और ये हो जाएगा कॉस 45 मतलब 1 बाय रूट टू, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। इसको लिख सकते हो आप 1000 डिवाइड बाय रूट टू। ये आप लोगों की वैल्यूज आ रही हैं पावर, जो कि एवरेज मिलने वाला है, ठीक है। फिर कहता है वॉटलेस करंट, है ना, थ्योरी क्वेश्चन आ गया ये अपने पास। तो वॉटलेस जैसे ही अपन समझेंगे, एक तो वॉटफुल होता है एक वॉटलेस होता है। वॉटफुल को आई कॉस फाइ कहते हैं और इसको अपन लोग कहते हैं आई साइन फाइव। घबराना नहीं है, ये टर्म भी किसका होगा, आर का, है ना, आर एम एस का टर्म ही होता है। इसको लिख सकते हो आप आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू, और साइन फाइव मतलब होगा साइन 45, उसको ही मैं यहाँ पे रूट टू ही लिखता हूँ। आई नॉट कितना होगा देखते हैं, यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है और ये हो जाएगा 2, दिस सिंपली 10। तो ये दोनों अपने आंसर हो गए, ये हो गया आपका आई, और मैं यहाँ पे वॉट लेस करंट बोल देता हूँ। तो मैच कर लेते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आ रहा है। ध्यान रखना एवरेज पावर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन पढ़ के ये 2-3 लाइनें तो अपन बोल सकते हैं, नेगेटिव देख के कह सकते हैं लैग कर रहा है और ये फेस का टर्म है ना, इजी क्वेश्चन में काउंट होने वाला है ये, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।